कोरोना वायरस के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे भिवंडी के सेक्स वर्करों को श्री साईं सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति खान ने आज भिवंडी के हनुमान टेकड़ी परिसर में राशन सामग्री बांटकर उनको मदद का हाथ बढ़ाया और कोरोना वायरस से बचने के बारे में मार्गदर्शन भी किया। बता दें कि भिवंडी शहर हनुमान टेकड़ी परिसर में लॉकडाउन की वजह से वहां पर रहने वाली सेक्स वर्करों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां पूरे शहर में कहीं न कहीं राशन और खाना बांटा जा रहा है, तो वहीं पर सेक्स वर्करों को अनदेखा किया जा रहा था। लेकिन श्री साईं सेवा संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शहीद खान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन सेक्स वर्करों का सहारा बन रही है। हर समय इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको मदद कर रही है, जिसे लेकर डॉक्टर स्वाति खान ने आज यहां के सैकड़ों सेक्स वर्करों को राशन सामग्री के साथ सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर उनको मदद किया। खास बात यह रही है कि यहां पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और शासन प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार सारी सहायता की जा रही है। हम लोग के पास ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, खाली राशन पानी से मतलब राशन पानी से भी मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला नहीं, थोड़ा मेडिसिन का ये सब का भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एरिया में बहुत सारे खेती लोग जो बीमार है उन लोग के लिए मेडिसिन का व्यवस्था भी मैडम ने किया हुआ है। और लॉकडाउन से प्रॉब्लम तो बहुत हो रहे हैं, पर जो हिसाब से मैडम जो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बस मेडिसिन का ये सब हम लोग का ख्याल रखें तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और जो एजुकेशन का मैडम वो कर रही है अभी जितना हो सके, अभी तो फिलहाल तो हमारे पढ़ने के एजुकेशन के लिए 4-5 दीदी लोग ही है, लेकिन फिर भी और उसमें से हम लोग पॉपुलेशन थोड़ा एजुकेशन के लिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद में शायद बहुत सारे चीज़ों का ट्रेनिंग मैडम हम औरत लोग को देंगे। मैं डॉक्टर स्वाति से स्वाति खान पिछले 5 साल से रेड लाइट एरिया जो हनुमान टेकड़ी भिवंडी में प्रचलित है और छोटी हनुमान टेकड़ी जो हमारा विजय सर्विस के बैक साइड में आती है, उन तमाम इन बहनों के लिए पिछले 5 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। उनके डे टू डे लाइफ में कुछ उनको प्रॉब्लम्स है जो वो शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ आता है कि हम बंद तो करवा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट वॉट अबाउट देयर अर्निंग से भी इम्पोर्टेंट है हंगर, भूख को तो हम लॉकडाउन नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते उस चीज़ को लॉकडाउन, उससे कैसे फाइट किया जाए। और उसी टेंशन में मेरे तमाम दोस्त, मेरी सहेलियाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे फैमिली फ्रेंड्स दिल्ली से हमें मदद कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी का माहौल नहीं है ये, पर आज फख्र से मैं बोल सकती हूँ कि हमारा जो स्लोगन है डोंट स्लीप हंग्री, उसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जितनी भी मेरी तमाम बहनें हैं वो भूखी नहीं सोए। और ये लड़ाई लॉकडाउन तक की नहीं है, मेरी इन बहनों की लड़ाई लॉकआउट होने के बाद भी कम से कम 1 से 2 महीने तक की लड़ाई है। और हमारा पूरा टाइम शेड्यूल इसलिए हम लोगों ने किया है कि हर 5-6 दिन 5-7-8 दिन के बाद इन तक राशन पहुँचे, ताकि थोड़ा ही सही कैसे ही सही इनका गुजारा होता रहे, क्योंकि मेरी बहन है अकेली नहीं है, उनके साथ उनका परिवार है। कोई घर में 1 महिला रहती है, कोई घर में 2 रहती, कोई घर में 6 रहती, लेकिन हम जितनी हमारी ताकत है जैसे जैसे हमारी हेल्प मिल रही है, हमने करीबन 6 मार्च से स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले हमारे मदद मिली है रॉबिनहुड आर्मी थाना की जो NGO है, उन्हें जैसे ही मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मालूम पड़ा उन्होंने फौरन 2 दिन में इतनी बड़ी मदद यहाँ पर तैयार की है। 5-6 दिन में जो है टोटल 275 किट दोनों एक घर को एक ऐसा करके हम लोग यहाँ पे डोनेट करने की कोशिश करते हैं। उस किट में जो भी है, जैसे चावल है, आटा है, तेल है, मसाला है, आलू प्याज है, जो ज़रूरत की चीज़ है कि जो बंदा खा के अपने आप को जीवित रख सके और इस कोरोना से लड़ सके, बस हम इतनी ही करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम जो रेड लाइन में रहते हैं, अच्छे अच्छे जो नेता लोग हैं, हम लोग को मदद नहीं की। स्वाति मैडम जो है आज ये टाइम से लेकर 4 टाइम हो गया हम लोग को मदद किया, हम लोग को राशन दे रहे, जिसमें हम लोग को आटा, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, तेल, दाल सब कुछ मिल रहा है, जिसमें हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे लोग को भी खिला रहा है
और दूसरा हम लोग जो लूम वर्कर है उन लोग को भी दे रहे हमारा हिस्से से, जो स्वाति मैडम हम लोग को लिए किया ऐसा ही इधर का जो मेंबर लोग है वो लोग भी करता था, नेता लोग वो लोग भी करता था, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था।